इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट का लाल सागर जंग का ऐसा अखाड़ा बन चुका है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां यमन के हूती के आगे पस्त हो चुकी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन और या फिर फ्रांस। इन सभी पश्चिमी देशों के मालवाहक और युद्धपोत जहाजों पर हूती मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका की अगुवाई में कई पश्चिमी देशों ने लाल सागर में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हूती इन पर दोगुनी ताकत से हमले करने में कामयाब हो रहा है। और अब इसी कड़ी में हूती ने ग्रीक के मालिकाना हक वाले एक जहाज पर 3 मिसाइल से हमला किया है। ये मिसाइलें यमन के तट के पास से दागी गई हैं और इस हमले को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने भी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जहाज पर हूती ने हमला किया वो ग्रीक के मालिकाना हक वाला बल्क कैरियर है और इस जहाज का नाम लैक्स है, जो मार्शल आइलैंड्स के झंडे के साथ लाल सागर से गुजर रहा था। हूती ने इस जहाज पर यमन के बंदरगाह शहर होडेडा से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर हमला किया है, और जैसे ही हूती की मिसाइलें इस जहाज पर आकर गिरी उसने तुरंत ही संकट की सूचना दी और कहा कि इस हमले में उसे नुकसान हुआ है। हालांकि अब ग्रीक शिपिंग सोर्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ये जहाज लाल सागर को पार करके यूएई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हूती ने अभी तक इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा है कि उसे होडेडे से करीब 57 किलोमीटर दूर कार्गो जहाज पर हमले की जानकारी मिली है। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ है, हालांकि जहाज का चालक दल सुरक्षित है और वो अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि हूती का कहना है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को ठप कर रहा है, जो इसराइल के गाजा पर हमले के खिलाफ है। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हूती की लाल सागर में हमले की ताकत कम नहीं हुई है। इन हमलों को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 28 मई 2024 को बीजिंग में यमन के विदेश मंत्री शाया मोहसिन अल जिंदानी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के दौरान वांग यी ने यमन से कहा था कि वो इलाके में नागरिक जहाजों पर हमले बंद करें। वांग यी ने यहां तक कहा था कि वो इस मामले में रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिए भी तैयार है। हालांकि हूती पहले ही कह चुका है कि वो चीन और रूस के जहाजों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद रूस के जहाज पर हमले की खबर पहले भी आ चुकी है।